शेख का सरपरस्त आखिर कौन है? कई ऐसे बड़े सवाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब इसके जवाब ढूंढेगी, लेकिन बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख मामले में जांच सीआईडी को सौंप दी है और बंगाल सीआईडी ईडी टीम पर हुए हमले के मामले में अब इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटेगी। यह सबसे अहम बात भी कि आखिर इतने गंभीर आरोप लगे और अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ाने वाली है। इस वक्त की एक बेहद अहम खबर, बंगाल सरकार ने इस पूरे शाहजहां शेख मामले की जांच पड़ताल अब सीआईडी को सौंप दिए और ईडी टीम पर हुए हमले के मामले की जांच आगे ये करती नजर आएगी। और ऐसे में जबकि संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा, कई दिनों से फरार, तकरीबन 55 दिन बाद आखिरकार गिरफ्तारी हुई है, लेकिन डिले की वजह पश्चिम बंगाल सरकार की कुछ और बताई गई और अब आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद ये गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, अब जबकि सीआईडी जांच पड़ताल करेगी, क्या इसमें भी कहीं कोई असमंजस विरोधाभास की क्या क्या जांच पड़ताल वो करेगी या फिर साफ क्लियर आदेश दिए गए? फिलहाल तो क्लियर आदेश है कि सिर्फ एक मामला जो कि ईडी पर हमले का मामला था, 5 जनवरी की घटना थी, उसे लेकर के वो मामला दिया गया है सीआईडी को, जिस मामले में शाहजहां को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन अब जब 10 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को, मतलब कि अब ये सीआईडी को रिमांड मिली है, सीआईडी इस मामले की जांच करेगी, क्या जानकारी सीआईडी निकाल पाती है ये देखने की बात है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कोर्ट जब पहुंचा शेख शाहजहां, उसके जो तस्वीरें आज सामने आई, पुलिस की टीम उसके पीछे चल रही थी, वो आगे आगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हाथ हिलाकर विक्ट्री साइन बना करके मीडिया वालों की तरफ तब वो कोर्ट रूम के अंदर घुसा। अब जब ये जानकारी मिल रही है कि शाहजहां अपने इलाके के पास ही छुपा था जहां से उसको गिरफ्तार किया गया है, तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं। संभव है कि इन्हीं सवालों से बचने के लिए पुलिस की बजाय सीआईडी को जांच सौंप दी गई है और अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, लेकिन क्या यहां विरोध थमेगा ये एक बड़ी बात भी है। और एक बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से ही, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंच गए इस बीच और संदेश खाली केस के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे और ऐलान किया कि 10 मार्च को बीजेपी संदेश खाली में एक बड़ी सभा करने जा रही है। बड़ी गर्मजोशी से लोगों ने शुभेंदु अधिकारी का वहां स्वागत भी किया, जमकर नारे लगाए गए। ऐसे में जबकि अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है कोर्ट के आदेश के बाद, हालांकि ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में अब सीडीआई वहां पर जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से संदेश खाली के गुनहगारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने और उन्हें सजा देने की भी मांग की है। मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, मेरा मांग नहीं है, संदेश खाली का माताओं की मांग है। अब माता को लड़का है, लड़का के नाते माता का आवाज अपना माध्यम से